मेडिकल सर्टिफिकेट हमें भी मालूम है कैसे बनते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है, दवाइयाँ कहाँ है, दवाइयों की रिसीप्ट कहाँ है, आपका वो जो ब्लड टेस्ट कहाँ है। चंद चतुर्वेदी एडवोकेट, ट्रांसफर कर दिया मतलब गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कपूरथला, कहाँ कर दिया ट्रांसफर सर, ब्लॉक डबरा सिपाही मतलब मैंने स्वैच्छिक ट्रांसफर की मैंने अप्लाई नहीं किया था मतलब कहा लिखा है ना आपका स्वैच्छिक कर दिया है, देखिए मतलब पी पी में मतलब ये कहा लिखा है स्वैच्छिक है, नहीं मतलब स्वैच्छ मतलब मैंने अप्लाई नहीं किया मतलब मैंने अप्लाई नहीं किया। अच्छा आपने अप्लाई नहीं किया है, अब कोई बात नहीं सर, नहीं किया होगा। आप कब से हैं सर यहाँ पे कपूरपुरा में, अरे इस स्कूल में कब से हैं? 2013 से, मतलब 9 साल हो गए हैं आपको। पेज सर मतलब 42 मतलब 42 जो हमसे पहले जो मतलब अरे भैया आप अपने डिक्टेशन कैसे डिक्टेट कर, टर्म्स कैसे डिक्टेट कर सकते हैं, ये उनका सरदर्द है गवर्नमेंट का सरदर्द है, गवर्नमेंट जाने क्या है कि जिला संभाग अथवा राज्य स्तर से किए गए शासनिक स्थानांतरण से व्यथित होने पर संबंधित लोग, ये तो रिप्रेजेंटेशन है सर, मैंने पी5 डिसाइडिंग माय एप्लीकेशन मतलब मेरे को 28 तारीख को रिलीव कर दिया है, जब मैंने उनसे मतलब मैं मेडिकल लीव पर थी मैडम, अब मैंने मतलब इस संबंध में क्या बीमारी हो गई थी सर आपको? अच्छा टाइफाइड हो गया था, मतलब 40 पेज नंबर 40 मतलब मेडिकल 40 तो कौन कौन सी दवाइयाँ खाई सर आपने? मेडिकल सर्टिफिकेट हमें भी मालूम है कैसे बनते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है, दवाइयाँ कहाँ है, दवाइयों की रिसीप्ट कहाँ है, आपका वो जो ब्लड टेस्ट कहाँ है उसकी रिपोर्ट कहाँ है, कहाँ है पीएफ पेज नंबर 39 जी, खरीदी कहाँ है इन लोग बताइए, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कहाँ है सर, टाइफाइड तो हो गया था, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कहाँ है सर, ट्रांसफर होते ही टाइफाइड हो जाता है, 26 तारीख मतलब बीमार थी मैडम, हाँ ट्रांसफर होते टाइफाइड हो गया सर, चलिए कोई बात नहीं सर, मेरा निवेदन है मैडम इसके छोटे छोटे बच्चे मेरे एक 6 साल का बच्चा है इटावा में पढ़ता है, इटावा में पढ़ता है और एक 3 साल का बच्चा है, 6 साल के बच्चे को आपने इटावा में बहुत भर्ती ससुराल वो मतलब भिंड जिले के पास इटावा में, इटावा कितने पास है सर भिंड में 57 किलोमीटर होना चाहिए भिंड जिले से, भाई साहब 6 साल के बच्चे को आपने अपने माता पिता को पास छोड़ दिया है, वो बच्चों की दवाई दे रहे हैं हमको, 6 साल के बच्चे को तो आपने अपने मायके में छोड़ दिया, मायके नहीं अरे ससुराल छोड़ दिया और आप हमें अपने बच्चों की दवाई दे रहे हो, 6 साल के बच्चे को अभी आप लंच से पहले विसोरिया जी ने कहा था कि बच्चे को माँ की जरूरत होती है, यहाँ तो माँ को ट्रांसफर रुकवाने के लिए बच्चे की जरूरत दिख रही है, अदरवाइज उसने तो अपने ससुराल में छोड़ रखा हुआ है सर भिंड में, और आप खुद टीचर हैं और आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, कैसे टीचर हैं सर फिर आप? एक टीचर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता छठवीं क्लास मतलब 6 साल के बच्चे को, आप कहते हो कि सर हम टीचर हैं बहुत अच्छे, 3 साल का मतलब अरे 3 साल का बच्चे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना सर, आप खुद कह रहे हैं कि सर एक बच्चे को हमने इटावा छोड़ रखा हुआ क्योंकि भिंड में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, तो भिंड में होती है कि नहीं होती है सर, मैं उसको जनरल बात पर नहीं जाऊंगा, पर आप तो टीचर हो तो आप खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हो कि हम लोग अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो दूसरे बच्चों का क्या करोगे भाई, वर्जन नहीं मतलब नहीं आपका वर्जन नहीं है तो फिर भिंड में अच्छी पढ़ाई नहीं होती का क्या मतलब है, तो अच्छा बूढ़े माँ बाप बूढ़े दादा दादी को 6 साल का बच्चा पाल रहा है ये कहना चाहते हो, वो तो इटावा में रहते हैं अब वो कहां से भेंट आ गए भाई, एक ही बेटा है मतलब तो पूरा डिपेंड, अरे हाँ भाई आपका आपने एक बेटा तो अपने ससुराल छोड़ दिया और ससुराल वाले आपके घर में रहते हैं, आपका बेटा आप अपने दादा दादी के पास रहता है, दादा दादी आपके पास रहते हैं, ये क्या कहानी चल रही है, अगर आपका बेटा इटावा में अपने दादा दादी के पास रहता है तो दादा दादी बूढ़े हैं कि नहीं बूढ़े हैं उससे आपके ट्रांसफर से क्या लेना देना, वो तो इटावा में रहते हैं और उनकी देखभाल आपका 6 साल का बच्चा कर रहा है, पति है मतलब वो भी आजाद हिंद इंटर कॉलेज मतलब आजाद हिंद इंटर कॉलेज में क्या है लैब असिस्टेंट है, ये आजाद हिंद जो इंटर कॉलेज है ये क्या गवर्नमेंट कॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज है जरा बताएं सर, थोड़ा नाम आपका कुछ गलत नहीं लग गया, तो नाम पढ़ेंगे पिटिशनर का सर, स्वार्थी मुझे लगा कि अंग्रेजी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, तो आपने अपना 6 साल का बच्चा अपने बुजुर्ग दादा दादी मतलब अपने सास ससुर के पास छोड़ रखा हुआ है,
मैनेज कर लेती होगी। कितने इटावा भिंड के कितने पास है सर, ये तो बता दो। 70 किलोमीटर के कितना? 57 किलोमीटर। अच्छा, तो कैसे मैनेज करती होंगी सर, ये भी बता दो। आप फिर सही कह रहे हो, भिंड में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। आपने सर्टिफिकेट तो अच्छा दिया अपने आप, आपने तो कहा कि भिंड में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, इसलिए उसको इटावा में पढ़वाने के लिए हमने अपने दादा दादी के पास, उसके दादा दादी के पास छोड़ा हुआ है। कुछ रीजन होगा तो सर, मुझे अपने आपका रीजन देखना है कि आपको मुझे बताना है। आपने कहा पढ़ाई अच्छी नहीं होती, हमने कहा आप भी तो टीचर ही हो, जब आप भी भिंड में पोस्टेड हो, जब भिंड में पोस्टेड टीचर अपने डिस्ट्रिक्ट को ये सर्टिफिकेट दे रहा है कि सर हमारे यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, तो सर्टिफिकेट में आप इंक्लूडेड नहीं हो क्या? और आप अपने बच्चे को टीचर होते हुए भी नहीं पढ़ा सकते हो, वो बुजुर्ग दादा दादी के पास छोड़ दिया, और फिर कहते हैं सर हमारे सास ससुर बुजुर्ग, वो तो बेचारे अपने घर में रह रहे हैं। और ग्राउंड बताओ, अच्छी बात है सर। अच्छी बात है, कोई टीचर भी नहीं है। तो फिर आपका वो जूनियर कहाँ से हो गई? भाई साहब देखिए, संस्कृत के सब्जेक्ट में अंग्रेजी टीचर को भेजा नहीं जा सकता, संस्कृत के सब्जेक्ट में अंग्रेजी टीचर को भेजा नहीं जा सकता, तो आप अपनी सीनियोरिटी या जो सबसे जूनियर मोस्ट है वो बताने के लिए सारे टीचर्स को कैसे इंक्लूड कर रहे हैं? यू आर दी ओनली टीचर इन दैट सब्जेक्ट, दैट इज ऑल। आ जाएगा कोई दूसरा, उसमें क्या है? आप ही के सब्जेक्ट के 4 टीचर्स हो, आपसे 3 पुराने पोस्टेड हो, आप लास्ट कम फर्स्ट गो पे जा रहे हो, तो समझ में आता है। और कुछ सर? मेरा जो एप्लीकेशन दिया मैंने उसको डिसाइड नहीं किया, जब कुछ लिखा हुआ है। हम तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट मानिए, ये भी लिखा है। उसने क्या लिखा है? अगर 15 दिन के अंदर निर्णय नहीं होता है तो उसको निरस्त समझा जाओगे। और ये जरा जरा संबंधित लोक सेवक द्वारा स्थानांतरण से विरुद्ध अभ्यावेदन विभागीय परियोजना किया जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं किया तो रिजेक्टेड मान लो, दर्ज कराया जाएगा। 27 तारीख को दिया है मतलब। अरे भाई साहब, अब तो नहीं किया ना तो क्या करूँ? मैं तो डिसाइड कर रहा हूँ ना, अब आप सारे ग्राउंड तो बता चुके हैं हमको, एक भी ग्राउंड आप खुद बताइए कि भिंड जिले के टीचर होते हुए कहते हो कि भिंड जिले में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। आपने अपने बच्चों की दुहाई दे रहे थे और आपने अपने 6 साल के बच्चे को ससुराल में छोड़ रखा हुआ है, और फिर आपके सास ससुर अकेले इटावा में रहते हो और आप अपनी ट्रांसफर भिंड में, भिंड से बचने के लिए अपने सास ससुर की दुहाई दे रहे हो, और जबकि आपके सास ससुर तो इटावा रहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि वो 60 किलोमीटर सुबह जाती है, उनको उठाती है, नाश्ता बना के देती है, फिर वापस आती है, फिर 60 किलोमीटर जाती हैं, फिर दोपहर का खाना बना के देके आती हैं, फिर 60 किलोमीटर जाती हैं, रात का डिनर बना के देके आती है, ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? फिर भिंड में पढ़ाई की स्टैंडर्ड क्या रहेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जब टीचर्स तो बेचारे 200-250 किलोमीटर रोज अप एंड डाउन अपने पारिवारिक परेशानियों में कर रहे हैं, पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि भिंड में पढ़ाई कहाँ हो रही है। और कुछ सर? अरे हम अभी डिसाइड कर दे रहे हैं ना, पेंडिंग क्या है, 9 साल तो हो गए आपको यहाँ पे। भिंड से तो आप ग्वालियर आए हो, बड़े शहर आए हो यार, तो आना जाना करना क्यों है? आप रोज इटावा जाते हो क्या अपने सास ससुर को देखने के लिए? इतना ही तो पूछा है मैंने आपसे, आपने बच्चा तक तो अपना छोड़ रखा हुआ है 6 साल का सास ससुर के लिए। अब मुझे नहीं मालूम है कि आपके सास ससुर बच्चे को संभाल रहे हैं कि आपका 6 साल का बच्चा अपने दादा दादी को संभाल रहा है। 2509/2022 श्री अजीत कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ द पिटिशनर श्री सुशांत तिवारी कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट दिस पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फाइल्ड सीकिंग द फॉलोइंग रिलीफ द पिटिशनर बाय द इंपीरियल ऑर्डर डेटेड 21/10/2022 द पिटिशनर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम GMS कपूरपुरा डिस्ट्रिक्ट भिंड टू GMS खारी अमरपुरा डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर। It is fairly considered by the counsel for the petitioner that the petitioner has already spent 9 long years at the present place of posting. It is submitted by the counsel for the petitioner that the petitioner has to look after her 2 minor children, aged about 6 years and 3 years respectively. However, it is fairly considered that her elder child, aged about 6 years, is residing in Itawa along with her parents-in-law.
It was also submitted that the reason for sending her 6-year-old child to Itawa is that the standard of education in Bhind is very poor. It is further submitted that the husband of the petitioner is working on the post of lab assistant in Kaunsa college tha, sir? Azad Hind College, Bhind. Mainpuri. Azad Hind College. राइट सर, आपका तीन साल का बच्चा भी इटावा में पढ़ रहा है भाई, आपने तो सिर्फ 6 साल का बताया था, आपने तो 3 और 6 दोनों साल के बच्चों को तो इटावा छोड़ रखा हुआ है। दिस इज द हाइट ऑफ द थिंग, और उनकी दुआई लेके अपनी ट्रांसफर रुकवाने की बात कर रहे हो यार। उसमें जो 6 साल का था ना, ये दोनों बच्चों का उस पर लिखेगा इटावा में, और आपके हस्बैंड जो है मैनपुरी में है। मैनपुरी कितनी दूर है सर भिंड से? द फर्स्ट सबमिशन ऑफ द पिटिशनर इज दैट the minor child children of the petitioner aged about 6 years and 3 years are studying in St. Peter's Senior Secondary School Itawa and play school Kinder Star Itawa. Although the petitioner has claimed that her old parents-in-law are residing with her, but during the course of arguments it was fairly conceded that the children of the petitioner are staying along with her grandparents in Itawa. Thus, it is clear that the parents-in-law of the petitioner are residing in Itawa, and the petitioner has taken a false stand that she is to look after her old parents who are residing with her. Next, the next contention of the counsel for the petitioner that since the standard of education in Bhind is very poor, therefore she is getting her children studied in Itawa is concerned, it is really shocking. The petitioner herself is a teacher, and by making a submission that the standard of education in Bhind is poor, clearly indicates that the petitioner is trying to give a certificate of appreciation to herself also, be that whatever it may be. A general statement made by the counsel for the petitioner with regard to the standard of education in district Bhind cannot be accepted. Furthermore, when the petitioner herself is a teacher, then by keeping her children with her, she could have taught them also. But for the reason was known to her, her children are studying in Itawa by staying along with her grandparents. Next. So far as the submission that the teachers who were posted prior to the posting of the petitioner have not been transferred is concerned, again, the submission of the counsel for the petitioner is self-destructive. According to the petitioner, she is the only teacher of Sanskrit subject. Therefore, it is clear that the petitioner cannot be placed at par with the teachers of other subjects. It is not the case of the petitioner that any other teacher of Sanskrit subject was posted prior to the petitioner has not been transferred. So far as the posting of the husband of the petitioner is concerned, according to the petitioner, he is working as lab assistant in Azad Hind Inter College Karhan, Mainpuri, district Mainpuri, Uttar Pradesh. Mainpuri is about 110 kilometers away from Bhind. Therefore, the posting of her husband in Mainpuri cannot be a ground to quash the transfer order of the petition. Petitioner has already spent nine long years and no good ground has been made out for quashment of her transfer order. Next. Furthermore, the petitioner has already been relieved, and it appears that she has not joined at her transfer, be that whatever it may, it has, accordingly no case is made out warranting interference in the petition. The petition fails and is hereby dismissed.